हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अष्टविया त्रिपाठी, वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। आज हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 34, क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 4 आप यहाँ पे देखेंगे। ए फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वाइल्ड एनिमल्स लिव इन, लिव इन, तो यहाँ पे ऑप्शन आप फिल करेंगे फॉरेस्ट, ओके। पॉइंट नंबर सेकेंड, जिसमें आपको फिल करना है मंकी, लिव्स ऑन ट्री, पॉइंट नंबर 3, ए मोल लिव्स इन ए, ए मोल लिव्स इन ए होल, पॉइंट नंबर 4, एन एलिफेंट ईट्स, एन एलिफेंट ईट्स बेटे यहाँ फिल करेंगे हम प्लांट्स, पॉइंट नंबर 5, एन यहाँ पे आपको फिल करना है स्नेक, स्वालोज स्मॉल एनिमल्स, ओके। हमने बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया। अब हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू आर फॉल्स। राइट ट्रू आर फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स,
फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आप बुक से राइट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर एंड फाइव। बेटा यहाँ पे आपको आंसर राइट करना है, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फाइव फॉल्स। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट यू कैन राइट टी फॉर ट्रू, आर एफ फॉर फॉल्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। मैच द फॉलोइंग, ओके, पॉइंट नंबर वन, टू, थ्री, फोर। लायन, फिश, बर्ड, राइनो, ए बी सी डी। यहाँ बेटा है वाटर, प्लांट, देन ट्री। इसको आप मैच करेंगे इस फॉर्मेट में, लायन कहाँ रहता है, डेन में, यानी कि फर्स्ट को सी से। फिश कहाँ रहती है, पानी में। बर्ड कहाँ पे रहती है बेटा, ट्री में, ट्री पे मतलब पेड़ों पे घूमती है। टायरानोसोरस जो होता है ये पौधे खाता है, यानी कि इसको हम बी से मैच करेंगे। लायन को आप डेन से मैच करेंगे, फिश को आप वाटर से मैच करेंगे, बर्ड को ट्री से मैच करेंगे और राइनोसोरस को प्लांट से मैच करेंगे, बिकॉज ये प्लांट ईटर है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, we will complete the answer the following questions D. हमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर राइट करना होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, What are wild animals? ओके, इसका आंसर हम राइट करेंगे, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। That lives in forest. Lives in forest. आप ये क्वेश्चन नंबर वन राइट कर लीजिए।
लिव्स इन द फॉरेस्ट। द क्वेश्चन नंबर नेम एनी थ्री एनिमल्स, ये कुछ आगे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप जो है आपके बुक में दिया होगा, कुछ गार्जियंस की हेल्प से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी बुक में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। नेम एनी टू एनिमल्स दैट कैन स्वालो स्मॉल एनिमल्स। दैट कैन स्वालो स्मॉल एनिमल्स। अभी आप इसका आंसर राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का। क्वेश्चन नंबर टू अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको आंसर बाद में लिखवा देता हूँ। स्नेक्स एंड किंगफिशर, स्नेक एंड किंग फिशर, ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जो छोटे छोटे जानवरों को खा जाते हैं। इसके बेटा हम आप क्वेश्चन नंबर फोर लास्ट वाला पॉइंट राइट करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर थ्री तक कंप्लीट कर लें फटाफट। How do jackals and hyenas help in keeping forests clean? इसका आंसर राइट करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन की हिंदी है, हाउ डू जैकल्स एंड हैनाज हेल्प इन कीपिंग फॉरेस्ट क्लीन। जैकल्स और हैनाज हमारे जंगल को साफ सुथरा रखने में हमारी कैसे मदद करते हैं? बिकॉज जैकल्स एंड हैनाज, क्योंकि जैकाल एंड हाइनाज ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ओके, क्योंकि ये जो दोनों जानवर हैं ये मरे हुए जानवरों के मांस खाते हैं। चैप्टर नंबर फोर आपने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर फाइव के बारे में,
बोन्स एंड मसल्स के बारे में। ठीक है, अभी आप इसको कंप्लीट कर लो अच्छे से बेटा, लिख लीजिए अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 5, क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है, अब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में हम जानेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट साइंस, बोन्स एंड मसल्स। पॉइंट नंबर 1, बोन्स एंड मसल्स। पॉइंट नंबर 2 आई विल एक्सप्लेन यू टुडे, स्केलेटन एंड बोन्स। मैं आपको एक और पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, एक्सरसाइज एंड फूड। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स। आई विल टेल यू सम पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, बोन्स एंड मसल्स, स्केलेटन एंड बोन्स, एक्सरसाइज एंड फूड। एज यू नो वेरी वेल, फूड एंड एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प्स टू सर्वाइव हेल्दी। अगर एक्सरसाइज और फूड हमारा स्वस्थ हो तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, यानी कि अच्छे भोजन का चुनाव करें, अच्छी से एक्सरसाइज करें। बोन्स एंड मसल्स, हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में आपको हम बताएंगे। स्केलेटन एंड बोन्स, ठीक है बेटा, जो हड्डियों का ढांचा है, पूरी बॉडी के अंदर हड्डियाँ भरी पड़ी हैं, उन हड्डियों के सहारे हम खड़े होते हैं और बहुत सारे कामों को अंजाम भी देते हैं। अभी देखते हैं हम पेज नंबर 36, बोन्स एंड मसल्स, चैप्टर नंबर 5, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हम यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, स्केलेटन एंड बोन्स, मसल्स, एक्सरसाइज एंड फूड एंड पॉस्चर। फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज स्केलेटन एंड बोन्स, है क्या ये सारी चीज़ें। आवर बॉडी हैज़ ए फ्रेमवर्क, आप बोन्स आर कॉल्ड द स्केलेटन। जो बेटा हमारे बॉडी के अंदर हड्डियों का एक ढांचा है, कंकाल है, उसे ही हम स्केलेटन बोलते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स, हमारी पूरे बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती हैं। इट हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक, ये हमें खड़े होने में, चलने में भी मदद करती हैं। इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है बेटा, जो हमारे बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज वाले पार्ट्स हैं उनको भी ये सपोर्ट प्रदान करती है, जैसे हार्ट, लंग्स एट्सेट्रा। बोन्स इन आवर बॉडी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन, द प्लेस वेयर मूव द आर मोर बोन्स ज्वाइंट्स टू कॉल्ड ज्वाइंट, जहाँ से हड्डियाँ मुड़ती हैं या जहाँ पे जुड़ी हुई हैं वो ज्वाइंट्स होते हैं। वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द ज्वाइंट्स, हम उस ज्वाइंट के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एल्बो ज्वाइंट्स हेल्प अस टू द बेंड ऑफ आवर आर्म्स। मसल्स, आवर बोन्स आर कवर्ड विद द सॉफ्ट मसल्स, जो हड्डियाँ हैं वो मसल्स से ढकी होती हैं। बोन्स कैन नॉट वर्क अलोन, हड्डियाँ अकेले काम नहीं कर सकती। अगर हड्डियों के ऊपर से बेटा मांस को हटा दिया जाए तो हड्डियाँ अपने आप अलग अलग हो जाएंगी, उन्हें मांसपेशियों ने जकड़ रखा है, उन्हें एक सिस्टम में बना रखा है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं। आवर स्किन कवर्स द मसल्स एंड बोन्स, जो हमारी स्किन है, चमड़ी है, वो मसल्स को, बोन्स को, सबको ऊपर से कवर करके रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक नॉलेज चेक है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आप देखेंगे पेज नंबर 37, नॉलेज चेक, इसे आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, हम फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बेटा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।